ओके, वेलकम बैक। तो जैसा वो कह रहे थे कि स्त्री उचित गुण में जो सभी प्राणियों में निहित है, ग्रहणशीलता का ये गुण निहित है। प्राप्त करने का अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन, रिसीविंग और समझ को वापस लाने के लिए अज्ञात में प्रवेश करने की इच्छा न पालना, या किसी के वातावरण को अपनी पसंद के अनुसार कॉन्फिगर करना, जैसे कि शादी के बाद जाती है और उस घर के माहौल में ढल जाती है, बल्कि विनम्रता और संवेदनशीलता। अच्छा, नहीं, और टू कॉन्फिगर वंस एनवायरमेंट और विजन ऑफ, मतलब वो औरत ये नहीं करती कि नहीं मुझे तो ये ऐसे पसंद है तो ये ऐसे होना चाहिए और आप सभी को वैसा करना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए। नहीं, वो ये नहीं करती। वो विनम्रता और संवेदनशीलता के साथ उस चीज का इंतजार करती करना चाहिए जो हमेशा आपसे बात कर रही है, कि मतलब जो हमेशा आपसे बात कर रही है, आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो आपसे बात कर रही हैं, वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है, उनको सुनो और उसके हिसाब से अपने अंदर जो बदलाव लाने की जरूरत है वो आप ला सकते हैं। सुनने का ये गुण अनिवार्य रूप से आपके भीतर की स्त्रीत्व और आपके अवचेतन संसाधनों का सम्मान है। इनकी भाषा इतनी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड है कि हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद भी आधे टाइम तो मुझे ही समझ में नहीं आता, दो बार तीन बार पढ़ना पड़ता है। तो जब आप सुनते हैं तो आप अपने डिवाइन फेमिनाइन का सम्मान कर रहे हैं और अपने अवचेतन मन में जो संसाधन है या अवचेतन मन में जो है उसका सम्मान कर रहे हैं। जो सुनने की स्थिति में नहीं है उसे लगता है कि शायद उनके पास सही उत्तर है, कि उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो लोग इंट्यूशन से काम नहीं लेते वो सोचते हैं मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो ईगो से काम लेते, और ये असंतुलन थोपने और उल्लंघन का कारण बन सकता है। लेकिन जो सुन रहा है वो ये पहचान रहा है कि उसकी अपनी बुद्धि से भी बड़ी एक बुद्धि है। जब आप इंट्यूशन से काम लेते हो तो आप एक तरह से रचयिता को सम्मान दे रहे हो कि हाँ मेरी बुद्धि तो है, लेकिन मेरी बुद्धि से बड़ी भी एक बुद्धि है, और मैं क्यों ना उस हायर सेल्फ या उस रचेता या उस एनर्जी से, ऊर्जा से समझूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कि वो अपने चेतन मन और अपनी चेतन प्रेरणाओं से भी बड़ी इच्छा के लिए एक पात्र या साधन मात्र है। ये जो शरीर बनाया है या जिस शरीर में आप आए हो, ये एक साधन है, आप इससे कहीं ऊपर और बड़े हो। ये जानना आपके चेतन मन या अकेले मर्दाना सिद्धांत के भीतर नहीं है कि अपनी वर्तमान स्थिति से चौथे घनत्व का रास्ता कैसे तय किया जाए। कोई प्रतिभाशाली नहीं, हम कहेंगे आपके ग्रह पर निर्देशों का एक सेट है जिसका यदि पालन किया जाए तो चौथा घनत्व उत्पन्न होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको अपने लव एंड इंट्यूशन को जागृत करना है। इस वक्त आपकी धरती जिस तरह से चौथी घनत्व की तरफ अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, उसे हमें मदद करनी है, और कैसे करनी है, हमें खुद को बदलना है। बल्कि ये उसे सुनने से है जो पैदा होना चाहता है, जिसमें धैर्य, संवेदनशीलता और विनम्रता शामिल, ताकि स्वयं इन ऊर्जाओं के साथ अधिक से अधिक सहयोग कर सके, चाहे वे स्वयं या समूह के लिए किसी भी तरह से प्रकट हो, चाहे वो किसी की ओर हो, किसी विशेष सेवा या किसी की चेतना और अभिविन्यास और दृष्टिकोण में बदलाव के लिए मौलिक स्तर पर। मतलब ये जब आप सुनते हो तो जो चीज पैदा होना चाहती है से मतलब है कि जो इस दुनिया में साक्षात होना चाहती है, वो चीज को जब आप सुनकर उसके ऊपर काम करते हो, सब्र से, सेंसिटिविटी से, विनम्रता से, सद्भावना से, तब आपकी ऊर्जा और आप खुद उसे
इस दुनिया में एक तरह से मैनिफेस्ट करते हो और अपनी इच्छाओं को, जो भी आप चाह रहे हो उसे उस तरह से आप इस दुनिया में उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको अपनी चेतना का स्तर बढ़ाने की जरूरत है, मतलब मेडिटेशन करके उसमें टैप करने की, सबकॉन्शियस माइंड में, और अपने सोच को, अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत, इंट्यूशन को पहचानने की जरूरत। चौथे ग्रहत्व के लिए और जिस ग्रह के माध्यम से ये स्तर पैदा हुआ है, वह आपके प्रत्येक दिल पर और आपके ग्रह पर, आपके प्रत्येक व्यक्ति के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये पुरुषत्व की अधिकता है जिसने आपके लोगों को इस दस्तक तक सुन्न कर दिया है। और क्या हम लाक्षणिक रूप से आपके दिल के दरवाजे पर कहेंगे? लाक्षणिक, हाँ, मतलब कि हम एक कहने के रूप से ये कह रहे हैं कि आपके धरती के ऊपर लोगों के दिलों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। डोमिनेशन, ईगो, एम्बिशन, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों, मतलब वॉर्स की, युद्ध की बात कर रही हूँ, टेररिज्म की बात कर रही हूँ, इन सब चीजों की वजह से धरती पे लोगों के दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और कहीं कितना भी कोई आपके दिल के दरवाजे पे खटखटाता रहे, आपको सुनाई नहीं देता। यदि आपके ग्रह पर रहने वाले लोग पुरुषवादी मानसिकता को स्थापित कर सकते हैं, चाहे वे पुरुष या महिला लिंग के हों, और इस संगीत को सुने, तो ये शुरू हो जाएगा हवा में बजना। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा अपना एक्शन एंड लॉजिक ओरिएंटेड माइंडसेट को, ईगो ओरिएंटेड, एम्बिशन ओरिएंटेड माइंडसेट को थोड़ा सा सबड्यू करें, थोड़ा सा उसे कम करके प्रेम और इंट्यूशन की तरफ मुड़े, तो आपको वो संगीत सुनाई देगा। राइट कान में कुछ बजता है, मेडिटेशन सीकिंग, तो तब वो आपको संगीत सुनाई देगा। कौन सा संगीत? ग्रहों के चलने की आवाज, इस धरती के घूमने की आवाज, धूप की, सूरज के चलने की आवाज, सूरज की किरणों का धरती पर आने का जो संगीत है उसकी आवाज। आपके समाज अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्रों को बदलता हुआ पाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोगों को रियलाइज होगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, वो शिफ्ट हो रही, पोल से शिफ्ट हो ही रहे, उनके विचारों का नेटवर्क बदल रहा है। ग्रहणशीलता होने से उनकी शक्ति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंधों का विन्यास बदल जाता है। मतलब कि जब ऐसा होता है तो पावर, इकोनॉमी और सोशल रिलेशनशिप्स बदलने लगते हैं। जब आप ईश्वर से जुड़ते हो, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करते हो, हमारा अभिप्राय कोई कार्यवाही न करना, कार्यवाही न करना नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहे कि कुछ काम मत करो, हर वक्त मेडिटेशन में बैठे रहो, जंगलों में चले जाओ, ये नहीं कहा हमने। हमारा अभिप्राय ग्रहणशील स्थान से उस चीज को विनम्र प्रतीक्षा करना और सुनना है जो जन्म लेना चाहता है। ओके, ये तो मतलब मेरे, आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि अपने इंट्यूशन पे भी ध्यान दो, ताकि जो भी आप करना चाह रहे वो काम सही तरीके से हो सके और आप सक्सेसफुल हो सके। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि समाज में आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, भले ही ये इस भावना से मजबूत हो कि आप अपने से बड़ी प्रवृत्तियों और ताकतों और राजनीति और सरकारों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए बहुत कम कर सकते हैं, प्रत्येक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि कोई भूमिका नहीं होती तो आप यहाँ नहीं होते।
वो ये कह रहे हैं कि हर इंसान जो पैदा हुआ है वो एक उद्देश्य से पैदा हुआ है, उसका एक काम है और आपको वो करना है, चाहे आप जो कुछ भी हो रहा है, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, उस पे आपके कथन कथन और करण का कोई फर्क पड़े या ना पड़े। आप सोचो, एक इंसान करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी करने लग जाएंगे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? सोचने वाली बात है, सभी बोलने लग जाएंगे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? तो वो कहते हैं कि ये आपको समझना है कि हर इंसान यहाँ एक उद्देश्य से, और आपको अगर उससे आपको सही रास्ते पे चलना है, चाहे आपकी गवर्नमेंट और आपकी पॉलिटिशियंस जो भी कर रहे हैं, आपके राजनेता जो भी कर रहे हैं, हर एक की यहाँ पर इस धरती का फोर्थ डेंसिटी में आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाना और चौथी घनत्वता में मदद करना धरती की, आपका सभी का उसमें एक रोल है जो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो भूमिका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके कार्यों से बाहर के बाहरी स्तर पर नहीं बल्कि आपके हृदय के गर्भगृह के भीतर प्रकट होती। अगर आपने लिविंग द लॉ ऑफ वन का सीरीज देखा है, प्लेलिस्ट, लास्ट मैंने खत्म किया था हार्ट चक्र, और लास्ट वाला सेशन जो था वो था अडेप्ट बनना, मतलब के सही तरीके से जिंदगी जीना सीखना। उससे पहले के सेशंस में दिल के गर्भागृह की बात हुई है कि हमारे अंतर मन में जो गर्भागृह है उसके अंदर तक कैसे पहुंचना है, अपने चक्रों को कैसे बैलेंस करना है। आप जहां भी अपना शरीर पाते हैं, इस शरीर में अपने शयन कक्ष में, कार्यस्थल पर, मतलब बेडरूम हो, काम की जगह हो, हॉल हो, किचन हो, चौथा घनत्व पैदा होता है। हम कहेंगे आपकी छाती में, जहां आपकी सच्चाई, सच्ची शक्ति इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए निवास करती है, जिसका अर्थ है परिवर्तन करना। आपके मन में, आपके दिल में, यहाँ है असली शक्ति। परिवर्तन करना अपने आप को अनुमति देकर, भरोसा करके, क्या किया जाना चाहिए और क्या करने की आवश्यकता है, इसके बारे में अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं और अपनी योजनाओं को अलग करने के लिए समय निकाल कर सुनना, मतलब कि आपके पुराने बिलीफ सिस्टम्स को साइड में रख दो और इंट्यूशन को सुनो, और जैसे ही आप अपना दिल बदलते हैं, या हम कहेंगे अपने दिल को ठीक करते हैं, अपने दिल का उपचार करते हैं और उन परतों और बोझों को दूर होने देते हैं जिन्हें आपने इतने लंबे समय तक ढोया है, प्याज के छिलकों की तरह एक एक परत आपके दिल के दरवाजे के बाहर जो लगी है उसको आप हटाने लगते हैं, जिसे आप न जाने कितने सदियों से या न जाने कितने सालों से आप उस भार को संभाले फिर रहे हो, तब वो रोशनी प्रेम की आपके दिल के अंदर से निकलेगी और प्रकाश आपके माध्यम से चमकता है, किसी विशेष उपलब्धि या किसी विशेष प्रतिभा के कारण नहीं, लेकिन क्योंकि आप खोज रहे हैं कि आप वास्तव में कौन। कितनी गहरी बात है, और हम लोग ट्विन फ्लेम्स को कितना लाइटली लेते हैं। आपको पता चल रहा है कि आप ही एक हैं, आप ही हैं जिसने इसे बनाया है, इसे बनाया है, इसे बनाया है। आप वह हैं जिसने ये भूलने का फैसला किया है कि आप वास्तव में क्या हैं, ताकि आप उस पर लौटने का खेल खेल सके जिसे आपने कभी छोड़ा ही नहीं था। सॉरी, मोक्ष। भगवान से तो आप कभी अलग ही नहीं, शरीर आपको दिया थोड़े समय के लिए और आपकी आत्मा यहाँ पर आई एक सोल के रूप में, लेकिन आप ईश्वर से कभी भी अलग नहीं, आप जाने वापस वाले वहीं पर हो। लेकिन ये जो चक्रव्यूह, अभिमन्यु का चक्रव्यूह,
जिसमें आप फंसे हो, जिसमें अंदर आना तो बड़ा आसान है, बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता। महाभारत में अभिमन्यु का चक्रव्यूह यही था। और इस वापसी में और इस अनुमति में प्रकाश आपके मन शरीर आत्मा परिसर में चमकता है। आपके व्यक्तित्व का प्रकाश नहीं जो स्वयं का प्रकाश है, बल्कि सृजनकर्ता का प्रकाश, ईश्वर का, रचेता का प्रकाश। हम आपको ये याद दिलाते हुए इस उपकरण के माध्यम से निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं कि चौथा घनत्व कुछ ऐसा नहीं है आपके साथ घटित होता है, बल्कि ये आपके माध्यम से घटित होता है। वो आने नहीं वाला है, आपको पैदा करना है। चौथा घनत्व अभी पैदा होने की प्रतीक्षा कर रहा है, और ये तभी पैदा होता है जब आपके ग्रह पर मौजूद लोग अपना प्रतिरोध, अपना युद्ध और अपने विचार जारी करने और इस ऊर्जा के साथ सहयोग करने के लिए तैयार। आई थिंक दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहां पर लोग जो पैदा हुए हैं या होने वाले हैं, जब वो ये समझेंगे कि हमें युद्ध नहीं, अपनी पुरानी सोच और वो सारी चीजें नहीं, बल्कि इस ऊर्जा के साथ प्रेम से सहयोग करना है। इसके लिए मौलिक रूप से स्त्री पुरुष अनुपात का पुनर्संतुलन और उपचार जरूरी है, और उस चीज का संजोना और सम्मान देना और उत्थान करना है जिसे दबाया गया। धरती के ऊपर ड्रेन्स बनाए, नदियों को नाले बना दिया, जंगलों को जला दिया, जानवरों को मार दिया, पंछियों को मार दिया, खेतों को नाश करके वहां पर शहर बनाए गए, समुद्र के अंदर कब्जा करके वहां पर शहरों को फैलाया गया। ये धरती के ऊपर जोर जबरदस्ती करना नहीं है, उसका शोषण करना नहीं है, पर्यावरण को गंदा करके केमिकल्स और पोल्यूशन से नहीं है, तो और क्या है? डराना, धमकाना, दबाना और जीतना, यही तो कर रहे हैं वो। कहते हैं पेड़ मत काटो, लेकिन जंगलों को जलाते हैं, और जंगलों में जाओगे तो कई जगह पर सरकारी पेड़ काटने के फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। प्रतीत होता है, वह दिव्य स्त्रीत्व है जिसका प्रत्येक एक अद्वितीय प्रतिनिधित्व है। यही है वो डिवाइन फेमिनाइन जो अपने आप में यूनिक है। इसे यहाँ खत्म करती हूँ। नेक्स्ट सेशन